जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इस बार के नवरात्रि पर कुछ ऐसे संयोग बनने जा रहे हैं। यदि आपने ये एक छोटा सा उपाय कर लिया तो उसका आपको अद्भुत फल मिलेगा, यानी कि आपके भाग्य में कई हजार गुना वृद्धि होगी। एक ही उपाय के द्वारा आप अपनी बहुत सारी परेशानियां हल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत छोटा सा उपाय आपको करना होगा जिसके द्वारा आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और माँ दुर्गा की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया जाता है। 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है और इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों में दोनों का ही विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो अष्टमी तिथि पर ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार अष्टमी के दिन बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। आपको बता दें कि ये शुभ संयोग 700 साल बाद बनने जा रहा है और इस दिन 7 ग्रह 4 राशियों में गोचर करेंगे और इन ग्रह गोचर के प्रभाव से ही महासंयोग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं कि महाअष्टमी तिथि पर किन राशि के लिए ये शुभ संयोग बनने वाले हैं। आइए जानते हैं कि महाअष्टमी तिथि पर किस प्रकार के और किन लोगों के लिए ये शुभ योग बनने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति इस समय स्वराशि मीन में विराजमान है और मेष राशि में बुध गोचर करने जा रहे हैं। वहीं सूर्य मीन राशि और शनि अपनी कुंभ राशि में विराजमान है। शुक्र मेष में गोचर करेंगे जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। ग्रहों के संयोग से कई राजयोगों जैसे मालव्य, केदार, हंस और महाभाग्य योग का निर्माण होने जा रहा है। मालव्य योग का निर्माण मेष राशि में शुक्र के गोचर करने से हो रहा है। मीन राशि में हंस योग और लग्न में सूर्य होने से महाभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। बता दें कि ये राजयोग 700 साल बाद बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में इन महायोगों के निर्माण से कई राशियों के लोगों को विशेष लाभ होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 4 मार्च से शुक्र गोचर करके मेष राशि में विराजमान हो चुके हैं। शुक्र के मेष में प्रवेश करने से मालव्य योग का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में इस योग का शुभ प्रभाव कन्या राशि के लोगों को देखने को मिलेगा और वही मिथुन राशि वालों के लिए मालव्य और हंस राज योग विशेष रूप से फलदायी होगा। इसके अलावा महाभाग्य योग से मीन राशि वाले लोगों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, उनका भाग्य चमकेगा और सभी राशि के लोगों के लिए किस्मत का तारा बहुत ही शुभ फलदायी है। सभी लोगों को इस बार नवरात्रि में देवी देवताओं का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, तो इसलिए इस बार के नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाएं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कल फिर भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय माता दी।